मीठा पान, चॉकलेट पान, गुंडी पान, बटर स्कॉच, ब्लैक करंट, स्ट्रॉबेरी, फ्रूटन नट, चोकोमोको, पंचमेवा, नट चॉकलेट। बेसिकली ये है फीमेल आइटम। अच्छा, फीमेल आइटम। पान जो है, पान है फीमेल आइटम, लेकिन खाते ज्यादातर पुरुष हैं। क्या खिलाएगा आज? मैं तुझे खिलाऊंगा इना फायर पान, जिससे तेरी बोलती बंद हो जाएगी। मैं तेरे को खिलाऊंगी आइस पान, जिससे तेरी जुबान ठंडी पड़ जाएगी। जुबान ठंडी पड़ जाएगी। हाँ, तो बेसिकली दोनों चाहते हैं कि जुबान बंद ही रहे दोनों। आज ये हमें आज जला दूंगी। आज है हम सीपी में, और सीपी में हम खाने आए हैं फायर पान और आइस पान। हमने बहुत पान की यहाँ दो दो शॉप है, दोनों ही एक से एक बढ़कर है, बट लेट्स सी। तीन शॉप है, तीन शॉप्स है यहाँ पे। अच्छा, तो हम ऑडियंस शुक्ला पान पर है, जो है सिंस 1948 1948 से शुक्ला जी पान खिला रहे हैं। पान खिला रहे हैं। और पान की चौथी पीढ़ी है, ये चौथी पीढ़ी है। कौन कौन से पान खिलाते हैं जरा पूछिए। शुक्ला जी नमस्ते। कैसे हैं आप? बड़ी शानदार लग रहे हैं शुक्ला जी। स्माइल करके दिखा दीजिए जरा। ये तो नीचे तो हो रही है। जय श्री राम। शुक्ला जी, कितनी तरह के पान खिलाते हो आप? हमारे पास भोजी मीठा पान, चॉकलेट पान, गुंडी पान, बटर स्कॉच, ब्लैक करंट, स्ट्रॉबेरी, फ्रूटन नट, चोकोमोको, पंचमेवा, नट चॉकलेट, ये पान हम लोग तैयार करके रखते हैं। और आजकल के जो बच्चे लोग हैं वो यही पान खाते हैं। बाकी जो कोई अपनी मर्जी से बनवाना चाहे कस्टमाइज पान, वो अपने हिसाब से भी बनवा सकता है। शुक्ला जी, पान का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? पान की कहानी कुछ पता है आपको पुरानी? जहाँ से हमें, किताबों से जहाँ तक हमें पता है, तो मुग़ल कालीन में जहांगीर खान की जो वाइफ थी नूर जहां, वो आई थी पाकिस्तान, वहाँ से अफ़गानिस्तान से, तो उसको बागवानी का शौक़ था। तो वो पान के पत्ते को जो उगाती थी, तो उस पान के पत्ते को अफ़गानिस्तान से उसका पानी आता था पीने वाला। अच्छा। जो वो पानी पीती थी वो पानी अफ़गानिस्तान से आता था। अच्छा। अकबर का पानी आता था कश्मीर से, सिंध नदी से। अच्छा जी। तो बड़ी तो अफ़गानिस्तान से जो पानी आता था, तो कहा जाता है कि उस पानी में अफीम का नशा होता था। पानी में अफीम, उस पानी में कहते हैं। अब हमने भी सुना है, तो वो जो रानी थी उस पत्ते को उस पानी में भिगोती थी और खा लेती थी, बस पत्ता मुंह में रख लेती थी और चली जाती थी अपने शयन, अपने शयन कक्ष की तरफ चली जाती थी सोने के लिए। अच्छा, बस ये था, यहाँ से स्टार्ट हुआ। बेसिकली ये है फीमेल आइटम। अच्छा, फीमेल आइटम। पान जो है, पान है फीमेल आइटम, लेकिन खाते ज्यादातर पुरुष हैं। अच्छा, ये तो बड़ी नई बात पता चली यार। जैसे गोलगप्पे खाने के लिए लड़कियां बदनाम है, लेकिन ठेले पर लड़के सबसे ज्यादा नजर। मैं तो बहुत गोलगप्पे खाता हूं। शुक्ला जी ने बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई हमें पान की साइड पे हो जाए। प्लीज कैमरे के सामने बताइए। अरे हम कैमरा के सामने है, तभी तो वीडियो चमक रहा है। तो शुक्ला जी ने पान की कहानी बताई, बेहद दिलचस्प कहानी है। मुझे नहीं पता था इससे पहले, नहीं पता था यार, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मजा आ गया सुन के। सबसे पहले हम खाएंगे आइस पान और फायर पान। फायर पान ये खाएगा, आइस पान मैं खाऊंगी। इसकी मुंह जला दूंगी मैं। और इसकी जुबान बंद कर देंगे। आ जाओ, चलिए खाते हैं। क्या डलता है ये? क्या डाला आपने इसमें? चूना कत्था, चमन बहार, हीरा मोती। अरे वाह। और चंदन चटनी, इसको मैश कर दिया। ये खजूर डाले आपने? छुआरा सॉरी। ये गुलकंद है। ये हम खा रहे हैं आइस पान, चुस्की पान बोलते हैं। ये 40 रुपीज का है, आप भी सीपी में आके ट्राई कर सकते हैं। इसमें और कुछ नहीं डलता भैया? ज्यादा डला इसमें वो बंद करो। कैमरा को फेस करो 2 मिनट।
डालना नहीं है पान। कौन सा पान खा रही है, कौन सा पान खा रही है? ये पूरा का पूरा पानी में बात निकाल लिया। आंखों से हंसू आ गए आज पान खा के। पान बाहर क्यों निकाला? पान बाहर कर दिया आपने। इतना बड़ा पान था कि मुंह में हिलाने की भी जगह नहीं बची। इसमें आग लगा देगा। ये छुहारा है, छुहारा और ये छुहारे गुलाब के पत्तों से बना। ये गुलकंद बोलते हैं इसको, गुलकंद। ये गुलकंद डाल रहे हैं भैया इसमें। और इसमें ये क्या है? लच्छा। लच्छा ये काहे का बनता भैया? ये रेशा होता है सुपारी का। सुपारी का रेशा। अच्छा, इसमें गिरी सुपारी भी डालोगे आप? नहीं, सुपारी इसमें कोई नहीं डालती। ये फायर पान बना रहे हो ना? हाँ, अगर आप चाहते हैं। नहीं, छोड़ दो, रहने दो, तो हम डाल देंगे। और ये क्या है? ये है वो जिससे मैं आग लगेगी। आय हाय हाय हाय, आग लगाने वाले हैं आज शुक्ला जी हमारे। देखिए लग गई आग और मैं खाने जा रहा हूँ। इन्हें पकड़ ले जरा एक बार वीडियो आग वाला पानी मेरे मुंह में जा रहा है। तो बैल जब है, जब तक अंदर नहीं चला गया पान मुंह में, जब तक ऐसा लग रहा था कि भैया हट हो गया। गगन भैया बहुत बढ़िया है पान। शुक्ला जी पान वाले बहुत प्यार से मोहब्बत से आपको पान खिलाते हैं। ये था हमारा फायर पान। कितने रुपए प्राइस है भैया इसका? 40 रुपये। बेसिकली जो मीठा पान है, मीठे पान को तैयार किया गया है, उसके ऊपर जो ये आग आग वाली आइटम डाली है फायर वाली, इसको क्या नाम है? ब्रास। ये खा सकते हैं? ये तो, हाँ, ये कपूर जैसा होता है। डिपेंड होता है, आप खा सकते हैं। ऐसे भी वो पूरा जल जाता है, जब वो जल जाता तो नीचे की सुपारी का जो रेशा होता है वो आपको लेकिन आप खा सकते हैं, वो कोई हार्मफुल नहीं। तो वाकई मीना पान खा के मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। मुझे तो ठंडक मिल गई अंदर तक। और सीरियसली मैंने फर्स्ट टाइम खाया फायर पान, और इना तूने भी फर्स्ट टाइम खाया होगा। हाँ, मैंने भी आइस पान, और बेहद शानदार पान थे दोनों ही। अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तारीफ होती है सीपी का पान, सीपी का पान, फायर पान, लोगों ने जान मार रखी थी कह कर। बट वर्थ है, हम भी उतने से डबल बोलेंगे कि सीपी का पान और स्पेशली शुक्ला जी का पान ये खाने तो जरूर आना बनता है सीपी। तो एक बार बता दीजिए शुक्ला जी कहाँ पे आपकी शॉप? कोटियन सिनेमा डी ब्लॉक कनॉट प्लेस। तो यहाँ पे जरूर आइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।